दोस्तों स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। खबर का हुआ सहारनपुर विकास प्राधिकरण पर बड़ा असर, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बनाई गई अवैध रूप से मार्केट पर लगी सील, अभी एक और मार्केट ऐसी ही कार्रवाई से वंचित, देर आए दुरुस्त आई, ये कहावत सहारनपुर विकास प्राधिकरण पर फिट बैठती है। आखिरकार बहुचरित विवादित वक्फ संपत्ति जमा मस्जिद के सामने बनी अवैध दुकानों पर खबरों के चलते सील करना ही पड़ा, जबकि अभी वक्फ बोर्ड कौन और किराएदार कौन है इसकी जाँच अभी बाकी है। आपको बताते चले, शहर के बीचों बीच करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्ति के कई दावेदार, ज्यादातर देखने में यही आता है कि वक्फ बोर्ड का ढुलमुल रवैया होने के चलते अधिकतर वक्फ संपत्तियां या तो विवादित है या फिर भू माफिया किस्म के गैंग वक्फ संपत्तियों को खुर्दबूत करने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला लोहनी सराय के बीचों बीच का भी प्रकाश में आया है, जिसमें कुछ दुकानें प्राधिकरण व वक्फ बोर्ड से मंजूर कराकर लगभग 25-30 दुकानें की मार्केट बना दी गई है। अब सवाल यह है कि कुछ भू माफियाओं के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोग ही जब वक्फ संपत्तियों को करोड़ों अरबों में बेच कर डकार रहे हैं तो वक्फ बोर्ड का क्या मतलब रह जाता है। अब देखना यह है, लोहनी सराय के बीचों बीच बनी मार्केट का संज्ञान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कब लेते हैं और कब इस मार्केट को सील की जाती है।